हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में आज हमें मुकाबला देखने को मिला था न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच में, और इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने बांग्लादेश की टीम को हरा दिया, जिसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 की पॉइंट्स टेबल पूरी तरीके से बदल चुकी है। पूरी पॉइंट्स टेबल आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोज की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अब आज के मुकाबले के बाद। पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी कि बॉटम मोस्ट पोजीशन से अगर शुरुआत करें तो नंबर 10 की पोजीशन पर आती है अफगानिस्तान की टीम। अफगानिस्तान ने दो मुकाबले खेले हैं, दोनों ही मुकाबलों में हार के बाद इस टीम के 0 पॉइंट्स हैं और इनका नेट रन रेट है -1.907 का। इनसे ऊपर पॉइंट्स टेबल में नंबर 9 की पोजीशन पर आती है ऑस्ट्रेलिया की टीम, जिन्होंने दो मुकाबले खेले हैं, दोनों ही मुकाबले हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम के भी 0 पॉइंट्स हैं। नेट रन रेट की बात की जाए तो -1.846 का नेट रन रेट हमें ऑस्ट्रेलिया का देखने को मिलता है। इनके बाद इनसे ऊपर पॉइंट्स टेबल में नंबर 8 की पोजीशन पर आती है नेदरलैंड्स की टीम। नेदरलैंड्स की टीम ने दो मुकाबले खेले हैं, दोनों ही मुकाबले ये टीम हार चुकी है, इनके भी 0 पॉइंट्स हैं। नेट रन रेट की बात की जाए तो -1.800 का नेट रन रेट हमें नेदरलैंड्स की टीम का देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम पॉइंट्स टेबल में थोड़ा सा ऊपर चलें और बात करें मिडिल की पोजीशंस की, तो नंबर 7 की पोजीशन पर आती है श्रीलंका की टीम। श्रीलंका की टीम ने दो मुकाबले खेले हैं और दोनों ही मुकाबले हारने की वजह से इस टीम के 0 पॉइंट्स हैं। नेट रन रेट की बात की जाए तो -1.161 का नेट रन रेट हमें श्रीलंका की टीम का देखने को मिलता है। इनसे ऊपर पॉइंट्स टेबल में आज का मुकाबला हारने के बाद बांग्लादेश की टीम आती है, जिन्होंने 3 मुकाबले खेले हैं, एक मुकाबले में जीता और दो मुकाबलों में हार के बाद इनके भी 2 पॉइंट्स हैं। नेट रन रेट की बात की जाए तो -0.653 का नेट रन रेट हमें बांग्लादेश का देखने को मिलता है। इनसे ऊपर पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर आती है इंग्लैंड की टीम, जिन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं, एक मुकाबले में जीत और एक मुकाबले में हार के बाद इंग्लैंड के 2 पॉइंट्स हैं और इनका नेट रन रेट है +0.553 का। इसके बाद फाइनली अगर हम पॉइंट्स टेबल में और ऊपर चलें और बात करें टॉप 4 की पोजीशंस की, तो नंबर 4 पर आती है पाकिस्तान की टीम, जिन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं, दोनों ही मुकाबलों में जीत के बाद इनके 4 पॉइंट्स हैं और इनका नेट रन रेट है +0.927 का। पाकिस्तान और भारत के बीच में हमें आज मुकाबला देखने को मिलेगा। इनसे ऊपर नंबर 3 पर आती है भारत की टीम, भारत ने भी 2 मुकाबले खेले हैं, दोनों ही मुकाबलों में जीत के बाद 4 पॉइंट्स हैं और भारत का नेट रन रेट है +1.500 का। आज भारत और पाकिस्तान में से कोई भी टीम हमें टॉप पर जाते हुए नजर आ सकती है। इनसे ऊपर नंबर 2 पर आती है साउथ अफ्रीका, जिन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं, दोनों ही मुकाबले जीतने के बाद इनके 4 पॉइंट्स हैं और इनका नेट रन रेट है +2.360 का। जिसके बाद फाइनली अगर हम टेबल टॉपर्स की बात करें, तो आज बांग्लादेश को हराने के बाद न्यूजीलैंड की टीम 3 में से तीनों ही मुकाबले जीतकर टॉप पर पहुंच गई है। इस टीम के 6 पॉइंट्स हैं और पूरी पॉइंट्स टेबल में किसी भी टीम के 6 अंक नहीं है। न्यूजीलैंड की टीम का नेट रन रेट भी +1.958 का है, जो कि काफी ज्यादा शानदार है। कमेंट करके आप लोग बताना आपके हिसाब से कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।